साथियों नमस्कार। जिस तरह से आप हमारे साथ में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, आज हम जो है विधानसभा फूलपुर में उपस्थित हैं। हमारे साथ में जो है बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं, जो जिला सचिव हैं और भी वगैरह हैं। तो हम बात करेंगे जो है विधानसभा को लेकर, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे, क्या कैसा माहौल है, कैसा नहीं है, कैसा लग रहा है कि यहाँ से प्रत्याशी महोदय जीत करेंगे या नहीं करेंगे, क्या माहौल लग रहा है साहब आपको? रामतुलन यादव जो हमारे यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये कम से कम 50,000 वोट से ये जीत रहे हैं यहाँ। और अरनिया कम बहन कुमारी मायावती जी पांचवी बार पुनः उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 2017 में इनका रिजल्ट जो रहा है ये 40,000 वोटों से पीछे हैं, कैसे कवर करेंगे? 2017 में हमारा वोटर 2017 में भी हमको वोट दिया था, कैडर वाला वोट हमारा, हमेशा हम बहुजन समाज पार्टी के हमेशा साथ खड़ा रहता है। ये तो ये तो क्या कहते हैं जो क्या कह लीजिए प्रिंट मीडिया मोदी मीडिया है, हम हमेशा हमको दिखाती है कि इनका कैडर वोट भाग गया है, लेकिन हमेशा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ कैडर वोट जब से 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से बहुजन समाज पार्टी के साथ में कैडर वोट हमेशा खड़ा रहता है। ये तो लोग बहकावा करते हैं इधर उधर, जैसे क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के कोई एक क्या कहते हैं तीतर गुलाम पहुंच गया, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि पूरा इनका कैडर वोट भगा चला जा रहा है। जैसे कह लीजिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य तीतर गुलाम है, ये तीतर गुलाम उस दिन का स्पीच आ रहा था कि क्या कहते हैं कि हम जिस समय बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा उसी दिन बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर चली गई। लेकिन ये मैं कहता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुजन ये कभी जनता दल कभी इधर उधर भागता रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी माने से स्वामी प्रसाद मौर्य कोई जान गया, इसके पहले कोई जानने वाला नहीं था। ये ऐसे ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर दिखाते हैं, लेकिन हमारा ये आश्वासन है, हमारे ये क्षेत्र की फूलपुर की जनता की आश्वासन है, माननीय रामतुलन यादव जी 40,000 वोटों से अब की बार कोई इनको हराने वाला पैदा नहीं है। चुनाव घोषित होते ही बीजेपी पार्टी में भगदड़ मच, क्या बहुजन समाज पार्टी में भी भगदड़ मचेगी? बहुजन समाज पार्टी में कभी भगदड़ नहीं हुई है। वो जो बताए कि नेता आते जाते हैं, नेता अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं, नेता विधायक सांसद बनने के लिए इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन वोटर खासतौर जो वोटर है वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ राम भाई रामतोलन यादव के साथ कंधे में कंधा मिला करके 2022 में विधायक बनाने के लिए तैयार है इनके साथ में। हमारे साथ में जो है यहाँ से प्रत्याशी रामतोलन जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि 2017 का रिजल्ट रहा 40,000 वोटों से पीछे, अब की बार कैसे कवर करेंगे सर? देखिए पिछली बार का जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों में यहाँ की सीधी साधी भोली भाली जनता फंस गई थी और 2 करोड़ नौकरी 15 लाख नगद के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट किया था। हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो कोर वोट बैंक है फूलपुर विधानसभा में ऑलरेडी 28% है, 2% प्रत्याशी के नाम पे, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक नीतियों के कारण जो है गरीब किसान मजदूर जो है इस बार मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कोर्ट करने जा रहा है। बहन जी आपको आशीर्वाद दे दें, लेकिन जो यादव समाज यहाँ का है वो सपा के साथ रहता है, आप यादव प्रत्याशी हैं, क्या आपको वोट करेगा यादव समाज? देखिए कोई भी जाति प्रॉपर किसी दल में नहीं रहते, सर्वजन के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्वजन के सम्मान में। जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी में भगदड़ मच रही है चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी में भी भगदड़ मचेगी? बहुजन समाज पार्टी में भगदड़ नहीं मचती है कभी। पहली बात तो ये मान्या बहन जी 50% युवाओं को मौका देती है और बहुजन समाज पार्टी दल के साथ एक मिशन भी है, यहाँ पर नेता बनाए जाते हैं, हम नेता बना के देते हैं, दूसरी पार्टियां हमारे नेता से राजनीति करना शुरू करती हैं। जिंदाबाद चुनाव जीत जाते हैं तो समाज में क्या रोल? जिंदाबाद जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है जग जाहिर है, हम पढ़े लिखे लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जो सुविधाएं मतलब क्षेत्र की जनता को मिलनी चाहिए चाहे वो मंत्रालय से हो चाहे निधि से हो वो 100% यूटिलाइज हो, यही मतलब ध्येय रख के राजनीति किया जाता है। जीतने के लिए क्या तैयारी है आपके यहाँ से?
जीतने के लिए तैयारी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण माननीय बहन जी का 2007 से 12 का जो शासन काल रहा उसको याद करके यहाँ की जनता वोट देने जा रही है और हम प्रचंड और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी जो है बाहर नहीं निकलते हैं चुनाव प्रचार। देखिए हम क्या है कि सड़क पर राजनीति हमारा दल इसलिए नहीं करता है कि माननीय बहन जी के मानना है कि पब्लिक का नुकसान न हो और पब्लिक परेशान न हो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। और जब चुनाव आता है तो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक आप देख लो यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और जो मत मांगने का जो हमारी नीति होती है पार्टी की जो नीति होती है उसको बता के हम सर्व समाज से वोट मांगने का काम करते हैं। चंद्रशेखर से क्या फ़र्क पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी में? देखिए तमाम इस तरह के दल पैदा होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय तीसरी पार्टी है, तीसरी देश की सबसे राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है। ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में यहाँ से प्रत्याशी महोदय जी उपस्थित रहे, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर लोग जैसे आते जाते रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीत करेगी।